नमस्कार दोस्तों मैं रजत शर्मा वर्ल्ड इमिग्रेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को आज एक विनती करना चाहता हूं दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ और इसके साथ साथ कुछ मासूम लोग जिनके घर थे वहाँ पे जो गाँव वाले वहाँ पे थे गाँव के गाँव वहाँ बह गए बादल फटने से ग्लेशियर फटने से एक बाढ़ आ गई बहुत बड़े लेवल पे बाढ़ आ गई उत्तराखंड पहले भी बाढ़ का सामना करता रहा है और बाढ़ की त्रासदी देख चुका है तो जो लोगों के घर उजड़ जाते हैं वही जानते हैं जो हैं जिसका दुख हो उसे पता है पीड़ा कितनी दूर तक जाती है तो दोस्तों इनकी पीड़ा बहुत दुखद है जिनके घर बनाने में सारी उम्र लग जाती है और ऐसी त्रासदी आने के बाद घर के घर बह जाते हैं दूसरा दोस्तों अभी तक एक से अधिक लोगों की फँसी होने की आशंका है उस चैनल में और तीसरा दोस्तों आईटीबीपी एनडीआरएफ के जवान और हमारे आर्मी के लोग ये बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं हमें भी डट कर आगे आना होगा उत्तराखंड में जिन लोगों के घर बह गए उनके साथ वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ की पूरी टीम और मेरे सारे दर्शक खड़े हैं डट के खड़े हैं उत्तराखंड वाले भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों रजत शर्मा आपके साथ है हमारी पूरी टीम आपके साथ है और एक हफ्ते तक हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी अभी क्योंकि हम पर्सनली उत्तराखंड जा रहे हैं और उन परिवारों के साथ हम दुख बांटने का कार्य करेंगे जहाँ से भी हमें फंडिंग आएगी जहाँ से भी हम फंड इकट्ठा कर सकेंगे उनके लिए जितना भी हमारी औकात होगी जितनी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस होगा हम उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे यही मानवता दोस्तों दुख के समय किसी का काम आना बहुत बड़ी बात होती है कहते हैं कि सुख में आप किसी के काम चाहे ना आए परंतु दुख में आप उस व्यक्ति के जरूर शरीक हो क्योंकि दुख बांटने से कटता है आज यही समय है उत्तराखंड के सभी भाइयों के साथ वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ की पूरी टीम खड़ी है और उन आर्मी वालों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन आई के जवानों को मैं सल्यूट करना चाहूँगा जो दिन रात एक करके अपने भाइयों को बचाने का कार्य कर रहे हैं तो आइए सब मिलकर उत्तराखंड के साथ एक स्टेटस लगाते हैं कि वी स्टैंड विद उत्तराखंड आप एक मुहिम चलाइए अपने अपने स्टेटस पे लगाइए कि हम सब उत्तराखंड के साथ खड़े हैं और हमारे भाइयों के साथ खड़े हैं हम अपने गढ़वाली भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी फैमिलियों के प्रति हमारे संवेदना है मिलकर हर एक आपदा को हम रोक सकते हैं हर एक आपदा को हम निपटा सकते हैं सो आज के लिए ज़्यादा चाहूँगा जय हिंद जय जाह भारत इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इस मैसेज को शेयर कीजिएगा